हेलो फ्रेंड, अमृता किचन में आपका स्वागत है। आज हम माश और उड़द गुले माश की दाल बनाएंगे और आइए देखें कैसे बनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। हम बात कर रहे थे दाल की और ये माश की दाल है जो धुली हुई है, जो माँ साबुत धुले होते हैं उसकी है दाल। और ये कप हम 2 कप हमने दाल ले ली थी जिसको हमने 4-5 घंटे हमने भिगो के रख दी थी। और इस अभी इसके साफ पानी में धुली पड़ी है, इसका पानी थोड़ा निकालेंगे फिर हम दाल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, ये हमने 3 प्याज ले ली जिसको हमने कद्दूकस कर लिए, 2 टमाटर ले लिए जिसको हमने इसका छिलका उतार कर इसको कद्दूकस इसको बारीक टुकड़ों में काट लिया। ये हमने 7-8 कलियाँ ली थी लहसुन की जिसको हमने बारीक कद्दूकस कर लिया। ये हमने 1/2 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का जिसको हमने कद्दूकस कर लिया। ये हमने 4-5 मिर्च ली थी और इसको हमने इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया। ये हमने ले लिए मसाले, नमक 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच हमने लाल मिर्च ले ली पिसी हुई पाउडर, और ये हल्दी पाउडर ले लिया जिसको ये 1/2 छोटा चम्मच है, 1 बड़ा चम्मच हमने जीरा का ले लिया, और ये सब्जी मसाला इसको भी हम सब्जी में डालेंगे, इसके स्वाद और लाजवाब बनता है, दाल बनती है। ये 1 छोटा चम्मच ले लिया हमने, और ये 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया पाउडर ले लिया। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। 1 बड़ा चम्मच हमने बड़ा वाला घी रिफाइंड का ले लिया। अब आप इसकी जगह पे मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं जिसको हमने गर्म कर लिया। अब हम छौंक लगाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, इसको जब ये कड़कना शुरू हो जाएगा फिर हम डालेंगे लहसुन अदरक, जीरा अच्छी तरह ब्राउन हो गया, थोड़ा सा हल्का ट्रिकल हो गया। अब इसके अंदर हम लहसुन डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह। लहसुन इसलिए डालते हैं कि इसकी सुगंध अच्छी लगती है हमें और इससे स्वाद और बढ़ जाता है, स्वाद भी लगता है और इससे खुशबू भी अच्छी लगती है और इससे वायपन नहीं करती। ये उड़द दाल वायपन होती है तो इससे वाय नहीं करती, टांगों में दर्द नहीं होता। तो अदरक भी इसके साथ डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। लहसुन अदरक इसलिए डालते हैं तो वायबंद नहीं होती और इससे जोड़ों में दर्द नहीं होती। और साथ के साथ हरी मिर्च डाल देंगे और साथ के साथ प्याज भी डाल देंगे। सब्जी रखती है इसको अच्छी तरह मिला देंगे, इसको भून देंगे। और ये जो दाल बना रहे हैं उसके लिए लहसुन अदरक ज़्यादा ज़रूरी डालना होता है। हरी मिर्च हमने इसलिए डाल दी है, डालिए ताकि इसके अंदर तीखापन रहता है तो अच्छा लगता है। साथ के साथ हम लाल मिर्च का भी प्रयोग करेंगे, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसको मतलब नहीं भी डाल सकते हो, डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो ना डाल, ये ऑप्शन है। साथ के साथ हम टमाटर भी डाल देंगे, साथ के साथ मसाले भी डाल देंगे।
तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रखेंगे, सिम पे रख देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह हमारा भून जाएगा। मसाला ढक्कन उठा के देखते हैं, तो मसाला बना के नहीं बोला, मसाला भून गया, थोड़ा थोड़ा रह रहा है। अच्छी तरह इसको मैश कर देंगे ऐसे। इसको हम दाल भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे दाल के अंदर। हम बताना बोल गए थे, हम थोड़े से देगी मिर्च डालेंगे, इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। हमने सिम करा हुआ है और इसको दाल को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं पहले, फिर बनाएंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको हम पका देंगे। अब हम गैस को थोड़ा सिम रखेंगे और इसको 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि दाल प्रॉपर अच्छी तरह गल जाए। इसे 15 मिनट बाद देखेंगे कि दाल कैसी बनी है। 5-7 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं कैसी बनी। 5 मिनट और लोगों रख लेते हैं। अभी थोड़ी सी कसर बाकी, 5 मिनट और रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कैसे बनेंगे। ढक के फिर रख लेते हैं। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम देखेंगे दाल हमारी कैसी बनी है। दाल हमारी बन गई है, अब हमें इसके गार्निश के लिए थोड़ा धनिया डाल देते हैं, इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और हम प्लेट में सर्व करेंगे। उड़द दुले हमने दाल बना के रख ली है और प्लेट में हमने सर्व कर लिया। अगर और काफ़ी अच्छी बन जाती है, 15-20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती। और आप भी बनाइए और परिवार के संग खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।